welcome to another edition of to the point. ministry for human resource and development has taken a number of controversial decisions over the last one year. but the kind of mandate which the modi government got, are they really on the right track as far as pursuing the education agenda in the countries concerned? joining me now is minister of state for human resource and development, mr. ramshankar kathiria. welcome, sir, and to the point. thank uh, you. kathiraji, let me begin by asking you.

और देश के चाहे विकास हो चाहे देश के और सारे बहुत सारे इशू हो सकते हैं लेकिन देश की यदि एजुकेशन ठीक है तभी देश के भविष्य को अच्छा हम बना सकते हैं लेकिन आ, जी पिछले एक सालों में जिस तरह से एजुकेशन एजेंडा को परस्यू कर रही है सरकार क्या आप आ, संतुष्ट हैं अभी तक की जो जर्नी आप लोगों ने की है एज फार एज एच आर डी मिनिस्ट्रीजर्न आई यू रियली हैप्पी मोदी गवर्नमेंट इज ऑन द राइट ट्रैक देखिये वी आर वेरी हैप्पी एक साल में जो हमारी मिनिस्ट्री ने जो काम किया है ये ठीक है कि कुछ इशू पर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तब भी विपक्ष हल्ला करता है लेकिन सर लेकिन जो मूलभूत एजुकेशन क्वालिटी के आधार पर कुछ परिवर्तन जहां आवश्यक हैं वो मुझे लगता है कि करना जरूरी है नहीं लेकिन सर विपक्ष हल्ला करता है आपने एक पॉइंट उठाया लेकिन जो भी डिसीजंस एचआरडी मिनिस्ट्री ने लिए हैं जो भी आपने काम एक साल में किया है काम कम हाईलाइट हुआ है लेकिन कंट्रोवर्सी ज्यादा हाईलाइट हुई है कि जिस तरीके से काम काज आपका करियर करने का जो तरीका है दैट हैज बिन हमारा कोई तरीका नहीं हमारा केवल एक तरीका है कि भारत की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए भारत का भविष्य हमारी एजुकेशन पर निर्भर है हम उस दिशा में जो आवश्यक कदम है जो उठाना चाहिए हमें एक साल हुआ है लेकिन एक साल में बहुत सारे बुनियादी सवाल कुछ लोगों ने खड़े किए होंगे लेकिन जो मूलभूत परिवर्तन आज देश की एजुकेशन में ज़रूरत है उस दिशा में हम लोग जरूर कदम बढ़ा रहे हैं और मजबूती के साथ लेकिन जब आप मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर तो आज भी जो बेसिक पैरामीटर्स हैं एजुकेशन के जैसे कि आज भी एनरोलमेंट रेट हाई है स्कूल्स में लेकिन ड्रॉप आउट रेट भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा है तीस प्रतिशत के लगभग है तो ऐसी जब चीज़ें ऐसे बड़े बड़े जब सवाल देश के सामने खड़े हुए हैं उस समय ऐसी कंट्रोवर्सीज आती हैं कि एच आर डी मिनिस्ट्रीज़ ट्राइंग टू इंटरवीन विद द ऑटोनोमी ऑफ द इंस्टीट्यूशनस तो ये आपको कहाँ तक सही लगता है एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आई एम्स के जो डिसीशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेम्बर्स हैं वो रिज़ाइन कर रहे हैं ये कहते हुए कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर रही है तो इसका रीज़न क्या है हम कहाँ आस्ेप कर रहे हैं लेकिन किसी भी डायरेक्टर को हमारी मिनिस्ट्री ने हमारी सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया कतेरा जी एक-एक करके, एक करके मैं एग्जाम्पल लेती हूँ आप एग्जाम्पल दीजिए देखिए ये कोई भी डायरेक्टर कोई भी डायरेक्टर जो डायरेक्टर के पद पर काम कर रहा है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है कथेरा जी ये बातें जब आप करते हैं तो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं जैसे आपने आई की ऑटोनॉमी की बात की कि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं कि प्रेशर नहीं है न्यूक्लियर रिनाउंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट अनिल काकोटकर जो आई आई के डेली उन्होंने नहीं नहीं हाँ। क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है ये बहुत बड़ा इशू है जो ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है सिर्फ अनिल काकोटकर ही नहीं दिल्ली के जो आई के जो प्रोफेसर थे रघुनाथ शेवगावकर उन्होंने भी यही बोला कि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है और आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई ऐसा नहीं है तो एक, मतभेद किधर है कोई भी डायरेक्टर हो कहीं भी कोई हो कोई भी प्रोफेसर हो पूरी तरह स्वतंत्र हो करके एक, एक शिक्षक के नाते एक डायरेक्टर के नाते और जो उसकी जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी करे लेकिन कहीं कोई केवल इसलिए गड़बड़ करे कि नहीं ये तो ये इस तो मंत्रालय भगवा कर रहा है या परिवर्तन कर रहा है या ये कर रहा है मैं सर उस अरे कोई यदि गलत धारणा से और गलत आरोप यदि लगाएगा सर मैं तो उसका कोई नहीं मैं आपने भगवा कोई भगवान वो मैं उस पर बाद में अभी आऊंगी लेकिन मैं जो मेरा सवाल है कि जितने भी अनिल काकूटकर रघुनाथ शिवगावकर नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो फॉर्मर थे अमृत्य सेन इतने इकोनॉमिस्ट हैं उनका भी यही कहना है कि एक रेजोल्यूशन नालंदा यूनिवर्सिटी से पास हो गया था कि उनको वाइस चांसलर बनना चाहिए था लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया और उनको अंडर प्रेशर ही हैड टू रिजाइन फ्रॉम द नालंदा यूनिवर्सिटी इवन द गवर्नमेंट इवन द प्रेसिडेंट हु अ विजिटर एट दैट यूनिवर्सिटी ही डिड नॉट गिव हिज एसेंट बिकॉज समवे डाउन द लाइन हिज हैंड वर टाइडअप ही सेट की भाई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आया तो मैं कैसे इस पर असेंट डाल सकता हूँ तो ये इस तरीके की जब बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन जा रहा है कि सरकार बहुत ज्यादा इंटरवीन करने की कोशिश कर रही है अनिल काकोटकर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी कि आई आई टी शुड बी लेफ्ट अ लोन वाई इज द गवर्नमेंट इंटरवीनिंग तो आपको नहीं लग रहा कि ये इम्प्रेशन जा रहा है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हस्ताक्षेप कर रही है आई 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 एम्स में आई आई टीज में मैं बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट किसी स्तर पर किसी के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है गवर्नमेंट के जो काम है हमारे सभी संस्थान अच्छे तो चले ये इंप्रेशन क्यों है अच्छे चले अच्छे Government चले तो और जो संस्थान, जो संस्थान जो संस्थानों से जो संस्थानों से जिनका मूल काम है जिस तरह उन संस्थानों से हमारे छात्रों की उपलब्धि होनी चाहिए उस दिशा में अपना अपना काम कर रहे हैं कहने का हमारे मतलब तरफ है। से हमारी हमारी कोई कोई सरकार या मिनिस्ट्री किसी स्तर पर तो कथेरे जी आपके कहने का मतलब ये मनिकर है मनिकर अगर आप सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं है तो ये जो डायरेक्टर्स हैं जो मेंबर्स हैं इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के क्या ये झूठ बोल रहे हैं या पॉलिटिकल मोटिवेशन अगर आप कहीं से देख रहे हैं या आइडियोलॉजिकल वॉर है किस तरीके की ऐसा इंप्रेशन क्यों आ रहा है कोई ना कोई रीजन तो होगा आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है मुझे लगता है कोई ना कोई हमारी सरकार का स्पष्ट मत है हमारी सरकार हमारी मिनिस्ट्री पूरी तरह से किसी के साथ कोई भेदभाव का सवाल नहीं हमारी नियत साफ है कथनी और जो एक्शंस है जो करनी वो में वो वो बहुत वो वो ज़्यादा फर्क है बहुत ज्यादा फर्क है आपको है? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जब जब मोदी जी की सरकार बनी थी सबसे पहली मीटिंग एच मिनिस्ट्री की आर के लोगों से हुई थी और दीना बत्रा जी जैसे जो आर के आइडियोलॉग्स हैं उन्होंने कहा था कि एजुकेशन को पूरा रिवैम करना चाहिए उन्होंने ऐसा क्यों बोला एक इंप्रेशन तो जाएगा पब्लिक में देखिए हमारे मंत्री जी ने लोकसभा में बहुत अच्छे सब जवाब दिए थे आपको पता है सारे जवाब दिए थे आर के लोग नहीं हमने तो जनरल पूरे देश के अच्छे लोगों से सुझाव मांगे उनके साथ बैठने को तैयार हूँ

आप आप कह रही फ्रीडम जो है यूनिवर्सिटी को दे देंगे सरकार का सरकार का औचत समाप्त हो जाएगा तो आप सरकार का सरकार का सरकार की जिम्मेदारी है वो सरकार अपनी जिम्मेदारी छोड़ देगी

ऐसे ही चलता रहेगा शिक्षा तो हम हम बताइए दुनिया के दु, दुनिया के सारे विश्वविद्यालय हमारा भारत के जब आप ही आप ही प्रश्न करती हैं कि भारत का कोई विश्वविद्यालय उसमें नाम नहीं आता है तो, तो पूरे 200 नहीं, 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 में तो नहीं आ, आप बताइए ना हंड्रेड में नहीं आता है क्या कारण है हमारी सरकार तो नहीं थी अभी तक किस पॉइंट पर कमी है कहीं कहीं ना कहीं कमी है उसको अध्ययन नहीं करेंगे उसका विश्लेषण नहीं करेंगे नहीं तो इसका नहीं मतलब? उसके उसके आधार पर जो आ, जो इन फ्यूचर देश के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक कदम होंगे उठाएंगे नहीं नहीं तो कथेरे नहीं विचार करेंगे नहीं नहीं आप आप बिल्कुल उसमें विचार दस करें नहीं, नहीं आप बिल्कुल उसमें लोगों की राय कथेरे जी विचार करिए लेकिन मे बी मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी जो आपका तरीका है विचार करने का तरीका गलत है इसीलिए लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कौन लोग उठा रहे लोग कौन है बताइए ना लोकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जिन पॉलिटिकल पार्टी अरे जिन पॉलिटिकल अरे आज देश आजादी के इतने दिनों के बाद आखिर में आज इसी देश में हमारा हमारी यूनिवर्सिटी उस स्तर पर क्यों नहीं पहुंचे कौन जिम्मेदार है इ, इतना बड़ा इ, इस तरह के जब रूल्स बनेगे तो हम विचार नहीं करेंगे सर, हम चुप बैठे रहेंगे हम कुछ करेंगे नहीं नहीं सर आप बिल्कुल हमारी सरकार कुछ नहीं करेगी लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है हमारे देश का भविष्य हमारे समाज का भविष्य हमारे मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण तो, है लेकिन तो सबसे बड़ी सर सबसे बड़ी आयरनी ये है कि इस मंत्रालय से बहुत लोग ज्यादा बात नहीं करते बट इस मंत्रालय के लोग मीडिया से बात करने में आपको जवाब दे रहा हूँ कर रहा हूँ मैं बट सर मैं यही कह रही हूँ जो सवाल खड़े हो रहे हैं बड़े बड़े सवाल जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीशन हैं जैसे कि ग्रेजुएट प्रोग्राम आपको मैं बताना चाहता हूँ कोई भी कोई भी परिवर्तन होगा अच्छा परिवर्तन भी होगा तब भी सवाल खड़े होंगे ओके okay.

दूसरा एक जो मसला है वो आयाम बिल को लेकर है कि वही ऑटोनॉमी पे सारी बातें आकर अटक रही हैं कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है आप ये कह रहे हैं कि नहीं उसको करने का तरीका यह है कि आप सब चीज़ अपने होल्ड में रखना चाह रहे हैं चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, यू वॉन्ट टू टेक अ होल्ड ऑन द स्टेट एंड द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हाउ विल यू डिस्पेल दिस नोशन आप खुद एक प्रोफेसर रहे हैं आप हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं आप भी यूनिवर्सिटी में जब जॉब करते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि मुझे क्रिएटिव फ्रीडम मिले मुझे एक्सेलेंस अप्रूव करने का मौका मिले लेकिन क्या ऐसे माहौल में जब प्रेशर अंडर प्रेशर कैन द रियली डिलीवर कैन यू रियली डिलीवर एज फार एज क्रिएटिविटी एंड एक्सिलेंस इज कंसर्न आप देखिए आप चाहे स्टेट का मैटर हो चाहे सेंटर का मैटर हो जी स्टेट और सेंटर की हमारी संगीत ढांचा की जो व्यवस्था है उसमें हम कहीं किसी को आश्चेप करने नहीं जा रहे ओके स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है अपनी अपनी उनकी जब आप संगीत ढांचे की बात करते हैं तो आइडियोलॉजिकल बातें भी बहुत सारी आती हैं लोग ये कह रहे हैं कि आप आर का एजेंडा थोपने की कोशिश कर रहे हैं अरे रहे हम हमारे हम कह रहे हैं कि हम अच्छा अच्छा एजेंडा घोषित करेंगे से भी लेंगे आर एस एस का भी एजेंडा घोषित करेंगे और कोई दूसरे कांग्रेस वाले अच्छा एजेंडा देंगे उसको भी घोषित लेकिन इम्प्रेशन ये जा रहा है कि आप सिर्फ आर एस एस वाले लेफ्ट लिबर बिल्कुल यदि इम्प्रेशन ये जा रहा है तो उसमें हमें कोई संकोच नहीं है लेकिन देश के हित में जो आवश्यक होगा जो क्वालिटी एजुकेशन के दृष्टि से अच्छा होगा वो देश के के भविष्य लिए और अच्छा कह है, रहे हैं और आप कहने कि आर से भी हम बात कर रहे हैं हम बाकी लोगों से भी बात कर रहे हैं लेकिन दीनानाथ बत्रा जी जैसे व्यक्ति जब ये बात करते हैं कि नहीं भारत के नक्शे को रीड्रॉ करके अखंड भारत बनाना चाहिए फिर वो बहुत सारे और डीम्स को रेफर करते हैं हिस्ट्री बढ़ाने के लिए तो वो कहीं कही ना कहीं पूरा जो सिलेबस का ढांचा है वो बड़ा अजीब सा लग रहा है और जो हिस्टोरियंस और जो लोग प्रोफेसर पढ़ा रहे इतने दिनों से वो ये कह रहे हैं कि बच्चे बच्चों के लिए अब हिस्ट्री सीखना तो बिल्कुल फैंटेसी जैसा हो गया है मैं आपको आपसे पूछना चाहता हूँ अभी तक की जो भी हिंदुस्तान की एजुकेशन है प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक आई आई टी तक मैं मानता हूं इस देश के आप आपसे भी पूछना चाहता हूँ देश के सामने भी सवाल है क्या ठीक दिशा में जा रही है क्या हम संतुष्ट हैं क्या हमारा आई एम के स्टूडेंट और आई आई टी स्टूडेंट या जो प्राइमरी गांव में जो स्कूल में पढ़ने वाला जो छात्र है हुँ. जो गांव का स्कूल में जाता है वो संतुष्ट है इसी इसी इसमें परिवर्तन की जरूरत नहीं है क्या तो इसका मतलब ये नहीं कह इसी दिशा आप... में नहीं मैं नहीं. पूछना चाहता हूं इसी दिशा में जाने चाहिए क्या तो इसका मतलब आप अपने कंट्रोल में सब कुछ लाके फिर ये चीज करेंगे एजुकेशन कंट्रोल में नहीं हमारा जो कर्तव्य है मनिस्ट्री कर्तव्य सरकार का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य से मोह नहीं मोड़ेंगे जो हमारा कर्तव्य है सबके साथ मिलकर के सबका सुझाव लेकर के ऑनलाइन सब सुझाव मांगे लेकिन बड़ा हमने हमने हम नई शिक्षा हम हम सुनिए नई शिक्षा नीति बने

इसके लिए जैसी एजुकेशन होनी तो चाहिए मतलब वो एजुकेशन सबकी राय से सबके परामर्श से

यूपीए में तो हमारे हमारे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई और उसके बाद जब यूपी की सरकार बनी तो उन्होंने सारे मिनिस्ट्री के सब सब लोगों को बदल दिया हमारे यहाँ दो तीन यदि बदल गए तो उसको हम इस रूप में देखेंगे क्या तो आप ये स्वाभाविक प्रोसेस है स्वाभाविक प्रोसेस को आप उंगली या कोई भी उंगली उठाए कर कर करते बयानबाजी कर रहे हैं अगर मैं मिनट के लिए अगर मैं मिनट के लिए आपकी ये बात मान लू की स्वाभाविक और जिसके तहत एच मिनिस्ट्री काम कर रही है तो एच मिनिस्ट्री के लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं कौन नहीं बात कर आपकी सीनियर मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी वो बात कर रहे हैं रोज मुझे तो लगता है रोज बात कर रहे उनके आ रहे हैं कहीं ना कहीं बोलती है वो जहाँ आवश्यक है बोलती है लेकिन सर डिपार्टमेंट के अपने लोग मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी उन्होंने कहा है कि कोई भी कंट्रोवर्शियल डिसीजन या कोई भी ऐसा डिसीजन होता है तो सबसे पहले प्लान ये बनता है कि उसको क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे किया जाए क्योंकि डिसीजंस गलत लिए जा रहे हैं है। है। जी एंड आई अप्रिशिएट दैट वो भी बात करेंगे क्या है जब जरूरत होगी तो बात करेंगे ऐसे क्या किसी को मना ही थोड़ी चलिए अब सर एक चीज़ आपसे पूछेंगे आप ये कह रहे हैं कि नेचुरल प्रोसेस है चलिए एक साल काफ़ी नहीं होता है किसी भी मिनिस्ट्री को जज करने के लिए उम्मीद यह है कि आगे के पाँच सालों में आप काफ़ी कुछ काम करेंगे जरूर और अब मैं आपसे थोड़े से इजीली और सवाल पूछ पाऊंगी बट कतरी जी मुझे ये बताइए पहला इंप्रेशन जो मिनिस्ट्री एक देती है कि वो बहुत सीरियस है अपने काम को लेकर बजटरी एलोकेशन जब हुआ तो एडुकेशन का जो बजट था वो बहुत ड्रास्टिकली कम हो गया फ्रॉम एटी टू एटी थ्री थाउजेंड करोर इट वॉज कट डाउन टू सिक्सेंड करोड़ डज इट शो दैट यू आर परसुंग द एजुकेशन रिफॉर्म्स एजेंडा वेरी सीरियसली इट डजेंट शो दैट देखिए हमारी मिनिस्ट्री के जहाँ तक आपने बात की कि वो कम कर दिया गया है hmm. तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं पिछली सरकार में जो जो खर्चे थे ना उन खर्चों को देखेंगे फिजूल खर्चों को देखेंगे बहुत सारी योजनाएं थी जिनका धरातल पर कुछ नहीं था उन सारी योजनाओं को हमने समझा है समीक्षा की है सुनिए समीक्षा की, की है मैं आपके मिनिस्ट्री की फिजूल खर्ची हमारी गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है आपके मिनिस्ट्री की बात कर रही हूँ हम अपना सुनिए हम बजट बढ़ा करके हम यदि साठ सत्तर करोड़ का हम नब्बे करोड़ करके और हम उसको फिजूल खर्ची करें और जो योजनाओं का धरातल पर जीरो है रिजल्ट योजनाओं को चलाते रहे उन योजनाओं को चला करके सर जो और नहीं। नहीं सुने सर और हम अपने आप को कहते रहे कि नहीं हमारी मिनिस्ट्री को बहुत बड़ा पिछले साल से इस साल हमारा फिर बजट बढ़ गया है। तो ये कोई उपलब्धि नहीं है सवाल करना बहुत सर्व शिक्षा अभियान मिड डे मील सब में काटा है तो नाउ आप पता लगाइए ये बताइए सर्व शिक्षा अभियान को लेकर के बताइए पूछना चाहता हूं आपसे एक मैं प्रश्न कर रहा हूँ आप गांव में जाकर के जाइए मैं गांव का हूँ गांव में जाता हूँ प्राइमरी स्कूल में जहाँ जहाँ मिड मील बनता है जहाँ भोजन बनता है वहाँ की स्थिति देखिए जाकर के कितने बच्चे आ रहे हैं कितने का खाना मर रहा है कितने का दुरुपयोग हो रहा है लेकिन, रहा? लेकिन ये बताइए ये ये जो दुरुपयोग है तो पिछले यूपीए की सरकार में जो यूपीए के सरकार में जहाँ कोई किसी प्रकार का कोई उनका एक परंपरा थी पिछले साल यदि तीन करोड़ का बजट हुआ तो इस साल साढ़े तीन करोड़ का कर दो केवल पैमाना नहीं नहीं, नहीं, नहीं? आप बताइए केवल बजट बजट को इस, इसी बेस पर पिछले साल तीन रुपए की साल तीन रुपए कर दो अरे उसका उपयोग कहाँ हो रहा दुरुपयोग कहाँ हो रहा वहां पर कोई समीक्षा नहीं होती थी कोई पूछने वाला नहीं था कहीं कुछ नहीं था हमारी सरकार ने जहां आवश्यक आवश्यक उसके आधार पर हमने लेकिन अगर मैं मान लू कि आप कह रहे हैं कि अनावश्यक जो जहाँ पे एक्सपेंडिचर था वो आपने काटा लेकिन जो स्कूल्स बनाने का प्रोग्राम है बाकी जो टॉयलेट्स को बनाने का प्रोग्राम है स्कूल्स में अब ओनर्स किस पर है स्टेट्स पर है कैसे करेंगे आपको जानकारी है हमारी मिनिस्ट्री तीन लाख टॉयलेट बनाने जा रही है हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर एक स्कूल में टॉयलेट की कैसे आ रही है सर फंडिंग ये फंडिंग हमारी मिनिस्ट्री ने व्यवस्था की है ना आप पता लगाइए तीन लाख हमारी मिनिस्ट्री टॉयलेट बनाने जा रही है लेकिन सर मुझे काम ये हो रहा है काम काम कर रहे अब तो प्लानिंग कमीशन भी अबॉलिश कर दिया गया है अब यह बताइए कि कि ओवरसाइट ओवरसाइट का काम का का कौन, कौन कौन सा मैकेनिज्म करेगा कि कैसे एक्सपेंडिचर हो की है साइड का नीति आयोग काम नहीं कर रहा क्या लेकिन सर नीति आयोग नहीं काम नहीं कर रहा क्या वो लेकिन नीति हमारे मिनिस्ट्री भी काम कर रही है हमारा सिस्टम काम कर रहा है ऐसा थोड़ी है कि कोई काम नहीं हो रहा तो बेसिकली आप पता लगाइए ना पता लगाइए और धरातल पर काम हो रहा पिछले सरकार की तरह हवा में काम नहीं हो रहा हम केवल इसलिए नहीं है कि हमें यदि यदि हमें 50 50 रुपए मिले हैं बजट में तो हम साल भर में 50 रुपए खर्च करके बैठ जाए हमारा ये मकसद नहीं है हमें 50 रुपए में यदि पच्चीस रुपया जेनुअन है तो हम पच्चीस रुपया खर्च करेंगे और पच्चीस रुपया बचते हैं तो बचे उस पर हमें कोई चिंता लेकिन कहीं कही ना कहीं ये इंप्रेशन जा, जरूर जा रहा है कि एचआरडी मिनिस्ट्री बहुत सीरियसली काम नहीं कर रही है लेकिन मैं आपकी बात मानती हूं जो भी आपने मुझे बताया उसको मैं मान रही हूँ लेकिन एक बहुत अहम सवाल है वो लास्ट पड़ाव पर हूँ मैं अपने इंटरव्यू के और मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि जिस समय स्मृति ईरानी जी को आ, मिनिस्टर बनाया गया था तो उनकी डिग्रीज़ को लेकर बहुत सवाल खड़े किए गए थे कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्टिंग एफिडेविट्स प्रेजेंट किए कि पहले ये हुआ कि बीए उन्होंने किया फिर बी किया फिर ये 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 यूनिवर्सिटीज़ से डिग्रीज़ ली फिर थोड़े दिनों बाद आपकी डिग्रीज़ को लेकर भी बहुत सवाल खड़े हुए थे तो आपको कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्डबर्न पॉलिटिशन में इसलिए है बहुत ज़्यादा जलिसी इसलिए है कि उनको लग रहा है कि भाई इनकॉम्पिटेंट लोग हैं और को मंत्री बना दिया गया कहीं ऐसा तो नहीं है यू फील फ्री टू से व्हाट व्हाट यू वांट देखिए ये जो आपने जिस तरह कहा जैसे मेरे ही नाम लिया जी मेरे एक बीएसपी के एक मायावती जी ने पिछले 2009 में जब मैं जीत गया तो जो बीएसपी का उनका कैंडिडेट था वो हार गया मेरे से उनकी तो सरकार उनकी सरकार यूपी में थी रजिस्टर का एक फर्जी पत्र लिया ओके उस फर्जी पत्र पर उन्होंने रजिस्ट्रार के जो रहता है उस पर बनाया और अंक दर दर किया उसकी फोटो कॉपी लेकर के इतिहास में पहला आपको मैं बता रहा हूँ फोटो को फर्जी फोटो कॉपी का आधार पर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए मेरे खिलाफ एफआईआर करें तो आपका तो सुनिए आप, और एफआईआर तो एक पूरी बात और एफआईआर कराने के बाद उसके उसके बाद उन्होंने स, सबसे जांच कराई शिक्षा मंत्री कमिश्नर यूनिवर्सिटी क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं थी राजस्थान ने लिख के दिया कि इस नाम का हमने कोई पत्र जारी नहीं किया कोर्ट ने हमें आपने कोर्ट का देखा होगा

तो आपके कोई साथ तो कोई इशू नहीं, नहीं है क्या इशू है उनके पास कोई इशू नहीं है ये देखिए क्या है किसी को लेकर के आपके किसी की लोकप्रियता को लेकर के यदि इस तरह के हल्ला करेंगे लोग okay. तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा देश की जनता समझ रही है माननीय मोदी जी की सरकार देश के हित में तो आपको काम कर रही है आपकी और एक साल हुआ है आने वाले समय में देश के लिए उपलब्धियों के लिए ये देश जानेगा देश की जनता जानेगी कि साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व तो, तो, तो आपकी जो, जो बॉस स्मृति ईरानी है आप उनसे बिल्कुल संतुष्ट हो और उनकी कॉम्पिटेंस में आपके मन में कोई शक नहीं नहीं मैं उनसे संतुष्ट नहीं है मैं उनका सहयोगी हूं ओके चलिए थैंक यू कथेरिया जी फॉर कमिंग ऑन टू द पॉइंट थैंक यू सो मच थैंक यू सो दैट्स इट ऑन दिस एपिसोड ऑफ टू द सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर पर्सनालिटी गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग